हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। एंड आज हम लोग वही हावड़ा से पुरी तक जाने वाली गरीब रथ चला ही रहे हैं। एंड गाइस, पिछले वीडियो में मैंने इस ट्रेन को खड़गपुर स्टेशन तक छोड़ा था, तो उसके बाद तक का ये जर्नी पूरा करके अभी यहाँ एक स्टेशन आ रहा है, तो इस स्टेशन तक आ चुकी है। एंड हम लोग अभी पूरी स्टेशन में घुसने ही वाले हैं, तो सामने एक लेवल क्रॉसिंग है। एक बार फिर से हॉर्न बजा देता हूँ। एंड सामने कोई स्टेशन आ रहा है। एंड गाइस, हम लोगों को येलो सिग्नल मिला था, इसके चलते कि हमारा स्पीड इतना ज़्यादा स्लो है, तो चलिए थोड़ा सा थ्रॉटल को इनक्रीज़ करते हैं। तो मैं थ्रॉटल को 45% पर रख देता हूँ एंड अभी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो एक स्टेशन आ रहा है, तो यहाँ से मैं एक बार हॉर्न भी बजा देता हूँ। कौन सा स्टेशन है मैं एक बार ये भी देख लूँगा। तो गाइस, ये है आपका डेलंग स्टेशन। तो डेलंग स्टेशन तक हम लोग पहुँच चुके हैं एंड इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एकदम मेन लाइन से। एंड साइड में एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्विंस खड़े हैं WDG-3A का, दोनों ही शक्ति सेट का। और साइड से देखिए गाइस, एक फ्राइट की क्रॉसिंग हो रही है। यहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा अच्छे से। ये एक ब्लू कलर का एल्को लोको के साथ ये फ्राइट ट्रेन जा रही है, BC ने रेखा आई थिंक। क्रॉसिंग का साउंड्स बड़े मस्त आ रहे हैं गाइस। एंड गाइस, अभी हमारा यहाँ का स्पीड लिमिट है आपका 110 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इंक्रीज करते हैं। मैं अपने थ्रॉटल को अभी 70% पे रख देता हूँ। एंड साइड के ट्रैक्स में सिग्नल आपका रेड है, आपको दिख ही रहा होगा। तो गाइस, इस जर्नी में मैं कटक स्टेशन पे 5 मिनट लेट पहुँचा था एंड खुर्दा रोड स्टेशन पे मैं एकदम 1 मिनट पहले पहुँच गया था। तो अभी देखते हैं पूरी स्टेशन पे हम लोग कब पहुँचते हैं। चलिए इधर आते हैं, इस साइड के डोर में आ गया। इधर सिग्नल पूरा ग्रीन है, आपको दिख रहा होगा सामने। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है आपका 5:28, 5:30 के आसपास अभी बजा है। एंड यहाँ पे वाह, यहाँ पे देखो गाइस कितना मस्त सनराइज़ हो रहा है। तो बिल्कुल सनराइज़ के टाइम में मैं आज का ये पूरी गरीब रथ चला रहा हूँ एंड हम लोग पूरी स्टेशन में घुसने वाले हैं। अभी कितना किलोमीटर बचा है मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी टोटल 13.5 किलोमीटर बचा है पूरी स्टेशन आने में। तो गाइस, देखते हैं कि हम लोग कितना देर तक पहुँचते हैं पूरी स्टेशन में। एंड गाइस, चलिए वापस इस साइड में चलते हैं। अच्छा, तो गाइस सामने से शायद कोई ट्रेन आ रहा है, मैं वापस अब इस साइड में जाता हूँ। इस साइड के डोर में आ चुका हूँ। कोई डीजल ट्रेन लगती है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ से धुआं नज़र आ रहा है। इसको भी शायद सिग्नल येलो या ग्रीन मिला होगा। ये देखिए गाइस, इसको सिग्नल एकदम ग्रीन मिला। ये देखिए, डीजल लोको के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस कर रही है। एक्सप्रेस नहीं, पैसेंजर ट्रेन होगा। एंड यहाँ शक्ति लोगों के साथ एक फ्लाइट वेटिंग पे खड़ी है। कौन सा स्टेशन था मैं नेम नहीं पढ़ पाया। एंड वो जो ट्रेन अभी हमको पास की वो पूरी पैसेंजर थी। पूरी से कहाँ तक जाने वाली पैसेंजर थी ये मैंने ठीक से नोटिस नहीं किया। अगर आपने नोटिस किया तो वो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो वो एक पैसेंजर ट्रेन हमको क्रॉस कर चुकी है एंड हमारा स्पीड में 110 का है। हम लोग 108 पे जा रहे हैं। साइड का ट्रैक्स का सिग्नल रेड है। ये लेवल क्रॉसिंग पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ है एकदम सुबह सुबह। सामने लोको के अंदर चलते हैं गाइस, ठीक है। ये है आपका कैब व्यू 1 एंड ये है साइड से कुछ ऐसा लग रहा है कैब व्यू में। तो गाइस, अभी फिर से कोई स्टेशन आ रहा है। चलो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा स्टेशन है। उम्मीद करता हूँ मैं नेम को पढ़ पाऊँगा इस बार। पूरा ग्रीन सिग्नल है गाइस हमारा। जनरली रियल वर्ल्ड में ये गरीब रथ ना बहुत पहले पहुंच जाती है पूरी स्टेशन में, मतलब एकदम 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। आज देखते हैं क्या होता है। तो अभी एक लेवल क्रॉसिंग है, फिर से हॉर्न बजाते हैं। एंड गाइस, सामने जो स्टेशन आ रही है उसका नेम मैं देखने की कोशिश करता हूँ कौन सा स्टेशन है।
और ये देखिए गाइस इस साइड में एक ईएमडी लोको के साथ एक स्टैटिक रेक खड़ा है, खाली रेक है, कोई पैसेंजर्स नहीं है, एकदम खाली रेक पड़ा हुआ है यहाँ पे, वेटिंग पे रखा गया है, पता नहीं कहाँ पे जा रही है ये ट्रेन। एंड गाइस इस स्टेशन का नेम क्या है वो मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ यार, ये भी नहीं पढ़ पाया यार, पता नहीं यार, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। गाइस आप लोग भी कोशिश कीजिए इस बार, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोर्ड तो होगा, साइंग बोर्ड, साखी गोपाल, अच्छा पता चल गया, ये जो हम लोग स्टेशन क्रॉस की ये स्टेशन का नेम था साखी गोपाल। और गाइस ये देखिए सामने से एक फ्लाइट आ रही है वैग 9 के साथ, कोल फ्लाइट है, तो ये भी काफ़ी स्पीड से जा रही है, कोल फ्लाइट चली गई। एंड गाइस स्टेशन आने में और 7.9 किलोमीटर बचा है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। अच्छा ऊपर से एक गाड़ी का ब्रिज आ रहा है, हॉर्न बजा के क्रॉस करते हैं। गाइस मुझे जहाँ तक लगा कि आपको गरीब रथ का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था पिछला वाला, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो यार पूरी तक का भी दिखा देता हूँ, काश अगर आपको ये भी पसंद आ जाए। एंड गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि मैं रिप्लाई बहुत कम दे रहा हूँ आजकल, यूट्यूब में आप जो भी कमेंट्स कर रहे हैं मैं रिप्लाई बहुत कम दे रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, सारा दिन यार कॉलेज में बीत जा रहा है, तो इसीलिए टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप अगर मेरे को फेसबुक के पेज में मैसेज करोगे तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, एक दिन लेट हो सकता है लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। यूट्यूब के कमेंट्स पे मैं बहुत कम ही रिप्लाई कर रहा हूँ आजकल, ठीक है गाइस। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कुछ बात करना है या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप मेरे को फेसबुक के पेज पर मैसेज कर सकते हैं, एंड फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो सामने एक और स्टेशन आ रहा है, ये स्टेशन का नेम देख लेते हैं उसके बाद एक बार हॉर्न बजा देंगे। ये है आपका मलतीपतपुर, यही था ना नेम, यही था ना गाइस, मलतीपतपुरी या फिर मलतीपतपुर, पता नहीं कुछ भी होगा। हर एक बार यार मेरा आँख से ना स्लिप हो जा रहा है। तो चलो गाइस अगर पीछे की ओर चलते हैं तो पीछे कुछ ऐसा लग रहा है, आज का गाइस एकदम 110 का एक्शन, काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग पूरी स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, साइड के ट्रैक्स में सिग्नल अभी रेड है, अभी कोई ट्रेन आने भी वाली नहीं है। वो देखिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह है क्योंकि हमारे उल्टे दिशा में जा रहा है, और वो देखिए दूर में ट्रक्स के साथ फिर से पहले चालू है। गाइस स्पीड लिमिट 80 का है, मैं 109 पे जा रहा हूँ, मैं नोटिस नहीं किया। चलो जल्दी से ब्रेकिंग करते हैं, एंड मैं थ्रॉटल को यहाँ पे 20% पे कर देता हूँ। चलो गाइस हम लोग एकदम स्पीड लिमिट के अंदर में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे ये स्पीड लिमिट इसीलिए घटा रहा है क्योंकि आपका जो ये है ना पूरी स्टेशन ये एकदम सामने में आ चुका है, इसीलिए स्पीड लिमिट को जो है इतना ज़्यादा घटा दिया यहाँ पे। तो और 3.5 किलोमीटर बचा है, आप नीचे देख सकते हैं ट्रैक्स मॉनिटर पे 3.4 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो इस साइड के ट्रैक्स में भी अभी भी रेड सिग्नल है, चलो सामने चलते हैं, येलो सिग्नल है। तो चलो गाइस मैं ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि गाइस येलो सिग्नल का मतलब तो यही होता है कि 30 से 40 के स्पीड के अंदर अंदर है। तो मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, थ्रॉटल को मैं 8% पे रहने देता हूँ अभी, फिर बाद में अरेंज करूँगा। तो अभी और ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे शायद, इतना स्पीड ठीक है गाइस, 50 के अंदर अंदर ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा मैं डिक्रीज नहीं करूँगा क्योंकि फिर बाद में पता चलेगा टाइम ओवर हो गया फिर भी मैं पूरी स्टेशन अभी तक पहुंचा नहीं हूं, फिर वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि ज़्यादा स्पीड ना घटाऊं। एंड सनराइज़ हो चुका है गाइस, काफ़ी मस्त नज़ारा लग रहा है, एकदम सुहाना सा मौसम है, क्या कहते हो। एंड हम लोग एंट्री मारेंगे पूरी स्टेशन में कुछ ही देर में। तो यहाँ से आप ट्रैक साउंड्स का कुछ देर तक मज़ा लो, जब तक हम लोग पूरी स्टेशन पे पहुँचते हैं तब तक आप लोग ये ट्रैक साउंड सुनो, रिदमिक ट्रैक साउंड सुनाई दे रहा होगा ना आपको।
थोड़ा बहुत मैं चुप रह रहा हूँ, ठीक है गाइस? तो यहाँ तब तक आप ये सब साउंड्स वगैरह सुनो एंड तब तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे पुलिस स्टेशन पे। सुन लिया गाइस साउंड्स? चलो साइड के ट्रैक्स में सिग्नल अभी भी रेड है एंड हम लोग एक कर्व पे जाने वाले हैं गाइस। कोई लेवल क्रॉसिंग आ रही है क्या? हाँ ये सामने ही है। और देखो बाप रे बाप यार, चार चार ट्रक्स एक के ऊपर एक चढ़ गए, ठीक से देखो यार। और उसके पीछे दो गाड़ियाँ भी घुसर गई है, पता नहीं यार ये कैसा है यार। सारे लेवल क्रॉसिंग सजीव है ये MSTS गेम में, पता नहीं क्यों। चलो हम लोग कर पे एक बार हॉर्न बजा देते हैं। दूसरा वाला हॉर्न बजा देते हैं। एंड गाइस यहाँ से 30 का स्पीड लिमिट चालू होता है तो मैं ब्रेक्स लगाता हूँ और थोड़ा सा ये स्पीड ठीक रहेगा गाइस। तो एकदम धीरे धीरे जो है हम लोग पूरी स्टेशन पे एंटर कर रहे हैं गाइस। सामने की ओर चले, चलो सामने चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, यहाँ पे दो डीजल लोकोस खड़े हैं, दोनों ही शायद शक्ति होंगे, शक्ति WDG3 है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देखिए सामने एक WAP4 के साथ एक WAP7 खड़ी है, स्टैटिक एकदम आइडल है। और क्या क्या है सामने, अभी यहाँ पे हैंग करना चालू है क्योंकि यहाँ पे सीनरी का जो डिटेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलो गाइस इस पोजीशन में चलते हैं एंड मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आई मीन इस वाले डोर से। तो ये वही WAP7 और WAP4। और सामने क्या क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर शायद 1 पे जाने वाले हैं, हाँ शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग जाने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे दो शंटर खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा एक ये, एक शंटर ब्लू वाला, पता नहीं इसका नेम क्या है, और एक है ये तो शायद WDS6 होगा शायद। ये दोनों खड़े हैं, ट्रेन शंटिंग का काम कर रहे थे। एंड और यहाँ पे एक और शंटर खड़ी है, ब्लू कलर का ही है। और गाइज यहाँ पे देखो एक WAP7 खड़ी है, एक WAP7 और उसके पीछे एक WAP4 भी झाड़ियों के पीछे छुपी हुई है। सामने का नज़ारा कैसा है गाइज? अच्छा तो यहाँ पे उस साइड में एक ट्रेन है जो शायद श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लगता है, आप भी बताना कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। ये शायद श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शायद खड़ी है। एंड गाइज यहाँ पे देखो गाइज एक EMD लोको भी खड़ी है, उसके साथ एक WAP7 भी खड़ी है। एंड हमारा ट्रैक चेंज चालू है अभी यहाँ से। अब गाइज इस साइड में आ जाते हैं हम लोग दरवाजे के इस साइड में, तो ट्रैक चेंज का नज़ारा देख लो, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो गाइस पूरी स्टेशन में पहुंचने का टाइम था हमारा 5:50, यहाँ पे 51 लिखा हुआ है, वो शायद गलत ही से, लेकिन रियल जो एक्चुअल टाइम है वो है 5:50। एंड हम लोग 5:40 पे पहुंचा दिए, मतलब एकदम 10 मिनट पहले हम लोग पूरा एंट्री मार चुके हैं पूरी स्टेशन पे। तो आपको क्या लगता है यार, मेरा ड्राइविंग थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं? मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है, आप भी बताना कि आपको क्या लगता है। और ये साइड में एक ट्रेन है जो कि अभी अभी आई है, ये आपका शायद जहाँ तक मेरे को लगता है ना, ये सियालदह पूरी दुरंतो एक्सप्रेस होगी। आप भी बताओ यार आपका क्या कहना है, ये सियालदह पूरी दुरंतो एक्सप्रेस ही होगी शायद जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। एंड यहाँ तो एक स्टैटिक रेक्स बीच में डाल दिया है,
बहुत ही धीरे धीरे हम लोग एंट्री मार रहे हैं। यहाँ से देखते हैं गाइस कैसा लग रहा है नज़ारा। सुबह सुबह ये लोग बेच रहे हैं खाना, चाय वगैरह सब बेच रही है। देखिए चाय की केटली पड़ी हुई है नीचे में, किसको चाय खाना है यार, जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो वो केटली उठा के लेके भाग जाएगा। यहाँ से देखते हैं गाइस तो मुझे ये नज़ारा बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। साउथ ईस्टर्न रेलवेज का सांतरागाछी सेट का वैब 4 गरीब रथ एक्सप्रेस को लेके एंट्री मार चुकी है। एंड कुछ ही देर में ये रुकने वाली है यहाँ पे। सारे स्लीपर क्लास कोचेस हैं। देखते हैं पूरा ट्रेन हमारा घुस चुका है कि नहीं स्टेशन पे। चलो गाइस पूरा ट्रेन हमारा घुस चुकी है, ब्रेक्स लगा के इसको हम लोग रोक देते हैं। ओके गाइस रुक जा भाई। चलो गाइस ये हमारा जो ट्रेन है ये फाइनली रुक चुकी है एंड ये एक्टिविटी भी यहीं पे ख़त्म हो गया। इस साइड से देखते हैं कैसा लग रहा है। पता नहीं अभी कौन से ट्रेन का अनाउंसमेंट चल रहा है, मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वक्त आ गया इस वीडियो को एंड करने का। एंड गाइस आप लोग ये बात मेरे को ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। एंड साइड में ये सब गरीब रथ के स्टैटिक कोचेस खड़े हैं एंड यहाँ पे वो देखिए हावड़ा के वैब 4 के साथ ये सियालदह पूरी दुरंतो एक्सप्रेस अराइव करके खड़ी है, रेस्ट कर रही है। बाद में इसको हटा लिया जाएगा प्लेटफॉर्म से। एंड उधर श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस चलो सामने की ओर चलते हैं। तो ये देखो गाइस ये श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस भी सांतरागाछी स्टेट का वैब 4 लेके आई है एंड ये भी यहाँ पे रेस्ट कर रही है। ये हमसे बहुत पहले आ चुके हैं, इनका आने का टाइम यहाँ पे शायद 4:50 के आसपास का है। तो ये बहुत पहले, इसके एक घंटे बाद हम लोग आए एंड तो दिखा दिया गाइस पूरे स्टेशन में क्या क्या है। एंड ये पूरा स्टेशन रियलिस्टिक तो नहीं है, रियल में शायद और प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे शायद सिर्फ 6 प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए हैं। तो ठीक है गाइस कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो ये आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक ठोकना तो बनता ही है। एंड अगर यहाँ पे आप पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, भले ही रोज़ नहीं मिलेंगे लेकिन मिलते रहेंगे, बहुत जल्द मिलते रहेंगे। तो ठीक है गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे एंड तब तक के लिए सायोनारा और बाय।